इसी आवाज पर आज हम रतन टाटा को याद कर रहे हैं और कैसे यादों में रखा जाए रतन को, उसी की बातचीत हो रही है। कुछ स्टार्टअप फाउंडर्स हमारे साथ हैं जो रतन टाटा के साथ काम कर चुके हैं। इनफैक्ट रतन टाटा ने इन कंपनियों में निवेश भी किया था। ब्रेक से पहले अनु, आपने कहा यार यू नो फनी बोन, तो बताइए वो क्या मजाक था जो आपके साथ अभी भी रह गया है? सो जब मैं दूसरी बार एक कोई कॉन्फ्रेंस चल रही थी शायद दिल्ली में, तो मुझे वेंकट ने, जो उन दिनों टाटा ट्रस्ट के सीईओ थे, उन्होंने मुझे कहा कि डू यू वांट टू मीट मिस्टर टाटा। तो मैंने कहा ऑफकोर्स ऑफकोर्स। तो फिर मैं उनसे मिलने गई तो मैंने कहा कि ओके नाउ दैट यू हैव इन्वेस्टेड, मतलब पहले तो हेलो हाई करके फिर मैंने कहा नाउ दैट यू हैव इन्वेस्टेड कैन आई टेक अ पिक्चर विद यू। उन्होंने कहा एक्चुअली वेंकट चार्जेस $500 फॉर अ पिक्चर। सो सडनली वेंकट के मुंह पे ऐसे ही वाज सडनली वेरी कि नहीं नहीं आई डोंट चार्ज। मैंने कहा इट्स ओके, आई वुड बी हैप्पीली आई वुड पे $500 फॉर अ पिक्चर। सो एनीवे दैट वाज अ फनी जोक एंड ही सेड इट सो स्वीटली दैट यू कुड सी वेंकट टर्न ऑल रेड, बट आई हैड अ ग्रेट लाफ एंड वी टुक अ पिक्चर एंड ऑल्सो अगेन उसके बाद में भी कुछ जो दो चार मजाक हुई है उसके बाद में हम चले गए। बट ये हमेशा मेरे ये मेमोरीज जो है, जो हमेशा दो बार जब मिली तो वो मेमोरीज हमेशा मेरे साथ रहेगी कि यू नो चाहे कितने भी बड़े इंसान हो लेकिन वो थोड़ा सा जो सेंस ऑफ ह्यूमर उससे वो बातें वो मोमेंट्स हमेशा याद रहते हैं। निधि आपका मुझे बड़ा जी, निधि आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं? Actually, I very fondly remember, him asking me. उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी फंडिंग की जर्नी कैसी रही है, because मेरी फंडिंग की जर्नी generally बहुत difficult रही थी. So I answered in one line. I said it is so close, and I did this with my hand. It is so close, and yes, yet it's so far off. And he burst out into laughter. Right. So I think for me that was a big personal win. I could always go back and say I made him smile, I made him laugh. जी. But he was not shy of that. उनको कोई problem नहीं थी being a human being with you. So I think that was a very big testament to वो कितनी उनकी humility और उनके groundedness का testament था. निधि आपने of course वो पहला startup जिसमें रतन टाटा आपके साथ जुड़े भी थे eventually बंद किया क्योंकि perhaps business economics etc was not working. क्या उस time पर आपकी बातचीत हुई थी? Were there any big takeaways in a conversation? I'm sure आपने उन लोगों को बताया होगा अपने दूसरे निवेशकों के साथ. अब you know शायद time आ गया है to shut it down this business और फिर कुछ और नया सोचेंगे. मैंने जब उनको अप्रोच किया, एक्चुअली मेरे बिजनेस में बिजनेस इकोनॉमिक्स की दिक्कतें नहीं थी, मेरे बिजनेस में एक्चुअली इन्वेस्टर्स की दिक्कतें थी. सो व्हेन आई शेयर्ड, जब मैंने उनके साथ शेयर किया, उनकी टीम के साथ शेयर किया, खैर मेरी उनसे दो से ज्यादा बार बात नहीं हुई थी मिस्टर टाटा के साथ, बट जब मैंने उनकी टीम के साथ शेयर किया तो उन्होंने इतना ही बोला, मैंने उनको ये बोला कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने आपसे पैसे लिए और वो अब पैसे बंद होने जा रहे हैं. तो उन्होंने कहा देखिए हम जब आपके साथ साइन अप कर रहे थे हमने आपको अपनी बेस्ट विशिंग दी थी, हमें उतना ही पता है. सो अगेन यू नो ह्यूज अमाउंट ऑफ सपोर्ट, ऐसा कोई इन्वेस्टर बोलता नहीं है बात. सारे इन्वेस्टर्स आपको टिप्पणी देंगे हाउ टू डू इट बेस्ट, बट आई थिंक उन्होंने अपना ट्रस्ट प्लेस किया था जहां पर उन्होंने अपना पैसा प्लेस किया था, एंड विद दैट आई वॉज वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे ये लीवे भी दिया था कि उनके पैसे अगर वापस नहीं भी आएंगे उनको पता था कि आई हैड ट्राइड माय बेस्ट एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्ड द मोस्ट टू मी एट लीस्ट एट दैट पॉइंट इन टाइम. एंड व्हाट मैटर्स मोस्ट इज दैट यू हैवंट हंग योर बूट्स, आपने एक और कंपनी शुरू की है, आई विश यू द वेरी गुड लक फॉर दैट. मैं आप तीनों से अब यही समझना चाहूंगी, तीन चारों से, कि हाउ विल यू रिमेंबर रतन टाटा द मोस्ट बाय. अमित बताइए सबसे यादगार क्या, यह क्या वो बड़ी एक चीज होगी जो शायद आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन, आप अपनी कार देखो वाली फैमिली में इम्बाइब होता देखना चाहेंगे? अमित, I'm sorry, I think you're on mute. जब मैं उनसे मिला था तो उन्होंने मीटिंग में लास्ट में मेरे को ये बोला था कि जो भी अपन लोग बिजनेस करते हैं ऑटोमोटिव, ये सारी इंश्योरेंस, ये सारी चीजें ट्रस्ट पे बेस्ड होती है. अमित सॉरी मैं आपको टोक रही हूँ, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है. अनु बताइए आपने क्या सबसे बड़ा सीखा है रतन टाटा के साथ कुछ समय बिताकर और ऑफकोर्स उनकी पूरी जर्नी फॉलो करते हुए, हाउ विल यू रिमेम्बर हिम? आई थिंक सबसे ज्यादा ये है कि
जो एक्चुअल पेट्रियट थे बिकॉज ही रियली बिलीव्ड इन द कंट्री एंड ही बिलीव्ड इन द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, और उनको दिशा दिखाना हो या कुछ भी हो, इट डिडंट मैटर टू हिम व्हाट हिज लेवल वाज. आई थिंक द फैक्ट दैट ही रियली ट्रूली थॉट अबाउट इंडिया एज फर्स्ट एंड विद ह्यूमिलिटी एंड विद ह्यूमर, आई थिंक दैट्स हाउ आई रिमेम्बर हिम. Didi, how will you remember Ratan Tata and what will you remember Ratan Tata the most for? आई थिंक टू वर्ड्स कम टू माई हेड, दो शब्द आते हैं दिमाग में, एक शार्पनेस, राइट, जिस तरीके के उन्होंने मुझे सवाल पूछे थे बिजनेस रिलेटेड वेरी मच इन डेप्थ, एंड दूसरा सादगी. जिस तरीके से उन्होंने मुझे ट्रीट किया था इतने बड़े होते हुए भी, आई थिंक ये दो चीजें मैं उनके बारे में कभी नहीं भूलूंगी, पहला शार्पनेस और दूसरा सादगी. अमित, बताइए आप क्या, आप रतन टाटा से क्या आगे लेकर जाएंगे इस जर्नी में? आई थिंक द बिगेस्ट थिंग अपार्ट फ्रॉम व्हाट एवरीवन हैज सेड, एक ट्रस्ट होता है, राइट? अगर आप देखोगे तो टाटा ग्रुप पे ट्रस्ट है इंडिया का, उन पे खुद पे ट्रस्ट है. तो दैट्स दी थिंग दैट आई पिक्ड अप. एंड वॉट एवर, लाइक, ट्रस्ट इज ऑफ द कोर वैल्यू ऑफ आर कंपनी ऑल्सो. वॉट एवर वी डू, आई ऑलवेज टॉक टू द टीम की कुछ भी भरोसा नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि जो भी बिजनेस है ऊपर नीचे जाता रहेगा, पर जो रेपुटेशन होती है और जो भरोसा होता है आप पे, वो कभी नहीं टूटे. दैट्स व्हाट आई टुक बैक फ्रॉम हिम फ्रॉम द मीटिंग आई हैड. एंड आई एम श्योर रतन टाटा का साथ, उनका प्यार आप लोगों के साथ रहा जैसे देश भर के साथ रहा. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए समय निकालने के लिए और आपकी जर्नी, आपके वो पर्सनल पहलू हमारे साथ शेयर करने के लिए. वाकई में एक बड़ा रतन हमने आज खोया है, लेकिन रतन टाटा हमेशा याद रहेंगे और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए इससे बड़ा एम्बेसडर, इससे बड़ा सुपरस्टार, इससे बड़ा सपोर्टर, इससे बड़ा मेंटोर शायद ही हमें आगे मिले.